हेलो गाइस, हमने मंगा रखा एक वैक्यूम क्लीनर अपनी कार के लिए और घर पे सफाई करने के लिए। तो ये है अगारो का रीगल 800 वाट का, जो हमने अमेजन से मंगाया है और इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और इसमें ये निकलती है एक एक्सटेंडेड पाइप इसकी, और ये हमारा मेन वैक्यूम क्लीनर, और इसके साथ में कुछ इसके जो है कुछ अटैचमेंट मिलती हैं इसके साथ में, जिसमें ये देखिए एक ब्रश भी होता है और बाकी वैक्यूम सक करने के लिए होता है। और इसमें देख लीजिए क्या क्या है, और ये मेन पाइप हो गई। और अब हम अपना वैक्यूम क्लीनर देखते हैं, इसको निकालते हैं पॉली में से। और ये जो रेड कलर का इसका बटन है, इसको हम पुश करके इसका आगे का ये जो डिटैच हो जाता है, और इसके अंदर हमारा एक फिल्टर लगा होता है जो कि वॉशेबल होता है, ऐसा कहते हैं। और ये वापस वैसे ही फिट हो जाता है इजीली, और डाल के लॉक हो गया वहाँ पे। तो इसकी एक ये असेंबलीज हैं, ये जो मेन है ये हम लगा के दिखा रहे हैं। इसके आगे हम फर्दर इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, हमें जितनी लेंथ के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हमने जैसे पाइप लगा दिया। और इस पाइप के दूसरे एंड पे हम इसकी दूसरी अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारा वैक्यूम डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता, तो ये हम पाइप लगा के फिर फर्दर आई को क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इसमें जो है कि फीचर या ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। तो और ये ब्रश इसका भी हम आगे पूरा कार में यूज़ करके देखेंगे। हमारे पास दो कारें रहेंगी, एक फ्री स्टाइल जो कि अंदर से पूरी क्लीन है, उसमें भी हम थोड़ा बहुत साफ़ करके देखेंगे कि कितनी क्लीनिंग होती है। फिर उसके बाद हमारी अल्टो, लॉर्ड अल्टो, जो कि गंदी हो रखी है बहुत ज़्यादा, और उसमें क्लीनिंग करके देखेंगे। तो हम आ गए अपनी कार पे, इसको फटक से हम पार्किंग में लगाते हैं। और ये जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है, ये चलता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी के पास से ही ऑपरेट कर पाएंगे हम इसे। गाड़ी में चार्जिंग वाला जो होते हैं वैक्यूम क्लीनर, उसमें इतनी पावर नहीं होती, इसलिए मैंने ये मंगाया। जो पार्सल ट्रे है अपनी गाड़ी की, ये पहले से ही क्लीन थी, थोड़ी बहुत डस्ट लगी थी इसमें, तो हमने इस पहले ब्रश वाला जो इसका आगे की एडजस्टमेंट है वो यूज़ करी है, और उससे जो है माइन्यूट माइन्यूट स्क्रबिंग हो रही है अंदर की, और जो हल्की डस्ट सी चिपकी है वो निकल जा रही है। और जैसा कि अपनी गाड़ी पहले से ही क्लीन है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी हल्की बहुत जो डस्ट है वो इससे निकल जा रही कैमरा में, लेकिन अच्छे से दिख नहीं पा रहे। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करने की कोशिश करता हूँ क्लियर करके फोकस। हाँ, इसमें देखिए थोड़ा बहुत जो दिख रहा है, जो डस्ट सी है वो स्क्रब होके निकल जा रही है, और वैक्यूम उसे सक कर ले रहा है। कैमरा क्वालिटी थोड़ा हल्की है, इस वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पे और स्क्रबिंग करके देख रहे हैं, और ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा था बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए, कि स्क्रब जो है फाटक की इधर जो डस्ट लगी थी उस पे करके देखा तो हो रहा था। ये तो जनरल ब्रूस से भी हो जाएगा, लेकिन मैं बस ऐसे ही ट्राई कर लिया था। इसके बाद तैयार कर रहे हैं अपनी अल्टो को, पहले इसको पिला रहे हैं थोड़ा सा पानी। ये बोतल गाड़ी में पड़ी हुई थी बहुत टाइम से, तो मैंने कहा इसको इसमें डाल देते हैं। और ये बहुत महंगी बोतल है, इसको अभी हम दिखाते हैं। इस पे जो है प्राइस लिखा है 6 रुपये का, मुझे बड़ी यूनिक बोतल लिखी तो मैंने दिखा दी। और अब ये इसकी चीज़ देखिए इतनी गंदी हो रखी है, और ये वैक्यूम कितना बढ़िया सक्शन से इसको सब खींच ले रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा अभी तक मैंने जितने भी देखे हैं उनमें से। गाड़ी की सीट वैसे ही पहले से बहुत गंदी है, उसके ऊपर कुछ डस्ट गिर गई थी मैट निकालते समय, तो वो यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है उसकी बढ़िया करके, और ये क्लीन हो गई पूरी सीट हमारी। और ये नीचे जो गिरी हुई है डस्ट, ये देखो इसकी सक्शन यहाँ से पता चल रही होगी कितनी पावरफुल है। हल्का हल्का सारा कचड़ा ये सोख ले रही है, जो इसमें जो हमने नीचे मैटिंग करा रखी है, तो सफाई करने में आसानी हो रही है। उधर बढ़िया करके सफाई चल रही है, उधर हमारे मॉन्क भैया बैठ गए आराम से मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। यहाँ पे बार बार इंटरप्ट कर रहा है बीच में, कहीं ना कहीं से आ ही जा रहा है। बढ़िया करके सफाई हो गई है सारी, मेजर डस्ट तो निकल गई है, जो हल्का फुल्का बचा है ये बस एक कपड़ा मारने से साफ हो जाएगा, इतना डस्ट बची हुई है। इसके बाद हमने यहाँ स्क्रबिंग करके देखी है, मतलब जो ब्रश है वो लगा के फिर सफाई कर रखी है। तो
इससे भी थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन मेजर जो डस्ट है वो तो निकली गई है। तो गाइस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। अभी ये मैंने जो है करीब 1400-1500 के आसपास ख़रीदा था। इसके बाद अपनी अल्टो में एक दिक्कत आ गई थी, इस पर भी एक वीडियो बनेगी जिसमें इसका कूलेंट पूरा लीक हो गया था। कैसे हुआ, क्या करा हमने, पूरा जुगाड़ बताएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।